नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, 24 जनवरी 2020 से कुंभ राशि की शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि कुंभ राशि की शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। तो दर्शकों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुंभ राशि पर इसके क्या शुभ अशुभ और क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको शनि की साढ़ेसाती और शनि देव जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। दर्शकों, शनि की साढ़ेसाती के तीन चरण होते हैं। पहला चरण 2.5 साल, दूसरा चरण 2.5 से 5 साल और तीसरा चरण 5 से 7.5 साल। दर्शकों, शनिदेव जी को नवग्रह में सेवक का पद प्राप्त किया गया है और नवग्रह में शनिदेव सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह माने जाते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि शनिदेव एक अशुभ ग्रह है तो अच्छे फल नहीं देते, ऐसा नहीं होता। वह सब कुछ निर्धारित होता है आपकी जन्म कुंडली में, कि आपकी जन्म कुंडली में 12 भावों में से शनिदेव जी कौन से भाव में विराजमान है, कौन से ग्रह से युति बनाकर बैठे हैं, कौन सी राशि में विराजमान है, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, शनिदेव जी कौन से नक्षत्र में है और शनिदेव जी आपकी कुंडली में क्या फल देने में सक्षम है, उसी के बाद शुभ और अशुभ फल का पता चलता है। दर्शकों, शनिदेव जी मेष राशि में नीच के माने जाते हैं और तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि शनिदेव जी की अपनी स्वग्रही राशियां होती हैं। तो दर्शकों, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कुंभ राशि का शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण कैसा रहने वाला रहेगा। दर्शकों, जिन व्यक्तियों की कुंभ राशि है उनकी जन्मकालीन चंद्र राशि से शनिदेव उनके 12वें हाउस में गोचर करेंगे और इसी के चलते हुए आपकी शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हो रही है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की जब जन्मकालीन राशि से शनिदेव उनके 12वें हाउस में गोचर करते हैं तो शनि की साढ़ेसाती लग जाती है और 7.5 साल तक रहती है। तो दर्शकों, आपका पहला चरण शुरू होने वाला है 24 जनवरी से, तो यह आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वें हाउस में गोचर करेंगे और जो कुंडली का 12वां हाउस होता है वहाँ से हम खर्चों के बारे में विचार करते हैं, हॉस्पिटल्स, बीमारी, अपमान, संयम, सुख, इन सब चीजों के बारे में विचार करते हैं, साथ ही साथ विदेश यात्रा के बारे में भी विचार करते हैं। तो दर्शकों, यहां पर आपके खर्चे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, कोई अपमानी हो सकती है, हॉस्पिटल्स में आपके चक्कर लग सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव मित्र राशि में विराजमान है, अपने ही घर में विराजमान है, मकर लगन, कुंभ लगन, वृषभ लगन, तुला लगन, मिथुन लगन और कन्या लगन की कुंडली होकर शनिदेव केंद्र और त्रिकोण में है तो आपको बहुत ही शुभ फल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर शनिदेव नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं, 6-8-12 में होकर बैठे हैं तो यहाँ पर शनिदेव जी आपको बहुत ही कष्ट प्रदान करेंगे, क्योंकि शनिदेव जी आपके यहाँ पे 12वें हाउस में हैं, वहां से शनिदेव जी की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी सेविंग्स अच्छी नहीं होगी, आपके कुटुंब और परिवार में कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। रोग भाव पर दृष्टि होने से, ऋण रोग शत्रु पर दृष्टि होने से, ऋण रोग और शत्रु आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी होंगे, या तो आप कोई ऋण ऐसा होगा, कोई लोन, कोई फाइनेंस ऐसा होगा, या तो आपको लेना पड़ सकता है और अगर ले रखा है तो आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, कोई शत्रु ऐसा होगा जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं हावी देखने को मिलेगा, क्योंकि शनिदेव जी की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है और कहीं ना कहीं कोई रोग ऐसा है जो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे कष्ट दे सकता है। उसके बाद शनिदेव जी की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ने से कहीं ना कहीं आपको भाग्य में परेशानी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण अच्छा नहीं माना जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभ राशि तो शनिदेव जी की अपनी राशि है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव जी हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव जी की उपस्थिति क्या है, कौन से भाव में विराजमान है शनिदेव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 6-8-12 में है, बहुत ही अशुभ होकर बैठे हुए हैं, बहुत ही नीच के होकर बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको अच्छा फल वह नहीं देंगे। हाँ, अगर शनिदेव केंद्र त्रिकोण में है, मित्र राशि में है और अपने ही घर में विराजमान है तो यहाँ पर आपको कष्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो अपनी कुंडली में शनिदेव जी की स्थिति देखिए, दशा महादशा देखिए, लगन देखिए, राशि देखिए आपकी कौन सी है, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपको पहला चरण थोड़ा सा यहाँ पर आपको समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप साथ ही साथ शनिदेव जी के मंत्र जाप जरूर कीजिए, आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।